सर नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद राशिद है, मैं जामिया शाहीन बाग रहता हूँ। सुबह से 400 रुपये काम किया है, गाड़ी का 200 रुपये का CNG और घर का खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों को कैसे जिलाएंगे, घर का रेंट कैसे देंगे, ये जितना भी इन्होंने बोला सब झूठ बोला, इनके सारे झूठे वादे। सर हमने तो गलती हो गई, केजरीवाल को हमने फर्स्ट टाइम ही वोट डाला था, ये मेरा वोट, पेन काटे सब कुछ है, तो मैं काहे का डरना, भारत का एक नागरिक तू, तो बाहर के लोग आए उनको नागरिकता दिया जाएगा, जो भारत के लोग हैं वो उनको परेशानी नहीं किया जाएगा, वो जो भारत के तो भारत के ही है, जो बाहर के लोग आएंगे पाकिस्तान से कहीं से भी आए तो उनको नागरिकता दिया जाएगा। मैं तो बचपन से रह रहा हूँ दिल्ली में, मैं हिंदुस्तान का एक नागरिक हूँ। दोस्तों नमस्कार, दिल्ली की राजनीति थम गई, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन गए, समस्याएं जो कम होनी थी वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अभी हम यहाँ से निकल रहे थे तो एक ऑटो चालक हैं जो अपनी जो एक व्यथा है उसको लेकर के हमारे सामने रख रहे हैं। जो केजरीवाल सरकार है ऑटो चालकों के लिए बहुत बड़े बड़े वादे करते थे, तो हम उनसे जानते हैं कि वो वादे कहाँ हैं, क्या कुछ कर रहे हैं इनके लिए। सर नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद राशिद है, मैं जामिया शाहीन बाग रहता हूँ। तो मोहम्मद जी आप मुस्लिम समाज से आते हैं, दूसरी बात यह है कि जैसे कि आपने देखा था कि दिल्ली के अंदर ऑटो वालों के लिए जो केजरीवाल सरकार ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, तो क्या लगता है कि कुछ वादे पूरे हो? कोई वादे पूरे नहीं हुए, इन्होंने जो भी बोला अब तक बहुत झूठ बोला कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है सर। अब ये बोल रहे हैं कि नए कानून लेकर आए हैं कि हम ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा, ऑटो कैब, अब इसमें दवाइयाँ वो स्प्रे मरवाएंगे। मोहम्मद जी एक बात मैं जानना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर कोरोना का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो ही चुका है और बाकी रोज़मर्रा की कमाई दिल्ली के अंदर निकल रही है या नहीं निकल रही है? सर काम धंधा है नहीं, सुबह से 400 रुपये का काम किया, अभी चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, सुबह से 400 रुपये काम किया है, गाड़ी का 200 रुपये का CNG और घर का खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों को कैसे जिलाएंगे, घर का रेंट कैसे देंगे, गाड़ी का किराया वो तो गाड़ी मालिक कहेगा मुझे नहीं 450 रुपये चाहिए, हम कहाँ से करेंगे सर। मोहम्मद जी केजरीवाल सरकार चुनाव से पहले बहुत बड़े वादे किए थे कि हम ऑटो वालों की कमाई दुगनी करा देंगे, ऐसा कुछ, और बहुत सारी सुविधाएं हैं जो बीमा से लेकर के हेल्थ बीमा तक बहुत सारी सुविधाएं आपको देंगे, कुछ कामयाब हो रही है? वही, इन्होंने कुछ भी नहीं किया अब तक, ये जितना भी इन्होंने बोला सब झूठ बोला, इनके सारे झूठे वादे। मोहम्मद जी एक बात मैं पर्सनली जानना चाहूँगा कि अब की बार वोट कहाँ दिया था? सर हमने तो गलती हो गई, केजरीवाल को हमने फर्स्ट टाइम ही वोट डाला था, ये मेरा वोट, अच्छा हमने बहुत गलती हो गई, सोच करके डाला था अब की बार कि केजरीवाल जी दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे, जो फ्री सेवा जो दे रहे थे लोगों को, क्या अब की बार ऑटो वालों पर भी रहम करेंगे? कोई रहम नहीं, और हमने तो वोट डाल के बहुत बड़ी गलती कर दिया इनको जिता के। मोहम्मद जी आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप रोड पर रहते हैं, तरह तरह के लोगों को आप बिठाते हैं, तो जैसे दिल्ली के अंदर हिंसा हुई उसको लेकर के आपका क्या विचार है और क्या लोग आपके सामने डिस्कस करते हैं? सर जो हिंसा हुई तो वो तो गलत है ही है, बहुत बड़ी गलत हो गई। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार को आगे आना चाहिए था इस चीज़ को रोकने के? बिल्कुल आगे आना चाहिए, ये अपना पीछा बचा रहे हैं कि मेरी सरकार बन जाए, ये अब तक आए नहीं, ना शाहीन बाग, इन्होंने बोला था कि मैं शाहीन बाग जाऊँगा, शाहीन बाग मोदी जी भी बोले कि मैं शाहीन बाग आऊँगा, नहीं आए, योगी जी भी बोले नहीं आए, ये कतरिया रहे अपने पीछा बचा रहे हैं। क्या लगता है कि जैसे जो अब कोरोना का डर है तो जो शाहीनी बाग में लोग बैठे हैं कोरोना का डर बहुत बड़ा है, तो शाहीनी बाग अब जैसे केजरीवाल जी ने कहा 50 लोगों से ज़्यादा नहीं इकट्ठे होने चाहिए, तो क्या लगता है कि अब शाहीनी बाग को खाली कर देना चाहिए? बिल्कुल खाली होना चाहिए, बहुत फर्क पड़ रहा है, रोड बंद है, हम लोगों को बहुत दिक्कत परेशानी होती है, मतलब दो घंटा तीन तीन घंटा जाम में फंसा रहना पड़ता है, इतना घुमा के जाना पड़ता है, कस्टमर कहते नहीं कि मुझे वही उतना मीटर का मैं बिल करूंगा आपका, मतलब जाना है तो चलो, नहीं तो कोई बात नहीं। समस्याएं बढ़ ही रही है, कम होने का नाम नहीं, बहुत समस्या बढ़ती चली जा रही है हद से ज़्यादा। अब जैसा कि अभी जो कल परसों की खबर आ रही है कि सुरेंद्र कुमार का नाम का लड़का एक हार्ट अटैक आया और उसको जाना था, वो जाम की वजह से शाहीनी बाग के बगल में रहता था, जाम की वजह से उसकी मौत हो जाती, डॉक्टर कहते हैं अगर 10 मिनट पहले आ जाता तो वो बच जाता, अगर शाहीनी बाग खाली होता तो शायद उसकी ज़िंदगी बच जाती, उनके माँ बाप भी अब आरोप लगा रहे हैं कि इसकी वजह से हुआ, तो क्या लगता है कि आपके हिसाब से, क्योंकि आप भी उसी समाज से आते हैं, खाली कर देना चाहिए? बिल्कुल खाली करना चाहिए, बिल्कुल खाली करना चाहिए। अच्छा मोहम्मद साहब एक बात मेरी आपसे डायरेक्ट है, क्योंकि लोगों को गुमराह भी किया जा रहा है कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को, कि CA का जो कानून आया है
बीजेपी सरकार आपको भगा देगी देश से, तो क्या लगता है आपको डर लगता है किसी तरह? सर ऐसा कुछ नहीं है, जो संसद से बिल पास हो गया हो गया, ये CAA NRC NPR तो ये तो हो गया, ये तो होना था ही। तो आपको डर है किसी तरह का? नहीं सर डरना कहेगा, मैं तो मेरे पर ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब कुछ है, तो मैं कहेगा डरना? मेरी पूरी परिवार, मैं तो भारत का एक नागरिक हूँ। तो उन लोगों को क्या कहेंगे जो OBC हैं, वो कहते हैं NPR में कागज मत दिखाओ और NRC से देश के मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, तो आपको कहीं किसी तरह का डर नहीं लगता? तो ऐसे लोगों को क्या कहोगे जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं? सर ऐसा नहीं है, मतलब ये तो बस वो है, गुमराह किया जा रहा है। एक प्रवक्ता, आपने नाम सुना होगा, शोएब जमाई है, वो भी कहीं ना कहीं कहते हैं कि NPR में जो कागज मांगे जाएंगे, जबकि उन्होंने मना कर दिया अमित शाह जी ने राज्यसभा से, और तरह तरह की बातें की जा रही हैं, तो क्या लगता है कि इससे जो लोगों को भ्रमित किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं कोई फर्क पड़ रहा है रोजमर्रा की जिंदगी पर? तो काफ़ी असर होगा। बिल्कुल, वो तो बोल रहे हैं कि मतलब जो बाहर के लोग आए उनको नागरिकता दिया जाएगा, जो भारत के लोग हैं वो उनको परेशानी नहीं किया जाएगा। वो जो भारत के तो भारत के ही है, जो बाहर के लोग आएंगे पाकिस्तान से कहीं से भी आए तो उनको नागरिकता दिया जाएगा। अभी कहीं ना कहीं कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, आपको लगता है कि किसी तरह की आज़ादी चाहिए? सर मैं इसके बारे में आगे नहीं बता सकता। आपको लगता है कि खुली सांस लेते हो हिंदुस्तान के अंदर? बिल्कुल। किसी तरह का डर है? नहीं, नो डर। तो फिर क्यों बात होती है कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें देश में डर लगता है? अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि जो बॉलीवुड के नसरुद्दीन शाह हैं कहते हुए नज़र आए थे, हमें हिंदुस्तान में रह कर के डर लगता है। नहीं, आपको डर लगता है किसी तरह? नहीं सर, हमें ये डर नहीं लगता। मैं तो बचपन से रह रहा हूँ दिल्ली में, मैं हिंदुस्तान का एक नागरिक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। सवारी अपना गलती बोलेगा नहीं, ऑटो वाला के बोलेगा जी आपका गलती है, आपका गलती। मेरे साथ एक बार हुआ था 2 महीना पहले, सवारी अपना मोबाइल कहाँ सुरा कहाँ नहीं सुरा। मेरे साथ एक सरिता बिहार इंस्पेक्टर क्या बोले, मेरे आया कमरे पर उठा के लेके चले गया, भीतर बंद कर दिया, अंदर ले जाकर 2 ताला पर बंद कर दिया, बोल रहे आपका 1 घंटे के अंदर हमको 40,000 रुपया चाहिए ना आपका जेल डालेंगे। जबरदस्ती इंस्पेक्टर, उसका नाम था सिकंदर, इंस्पेक्टर के नाम सरिता बिहार में उसका नाम था सिकंदर, हमसे क्या बोला जब आपका 40,000 रुपया चाहिए ना तो आपका उठा के मैं तिहाड़ जेल में डाल देंगे। हम बोला मेरे पास नहीं है, तो हम हाईवे पर गाड़ी चला रहा था 10-20 का स्पीड में, आप बोल रहे सरिता बिहार के अंदर में सोसाइटी के अंदर में आपका गाड़ी चल रहा है। हम बोला ठीक है, सोसाइटी के अंदर में हम आए तो मेरा चेहरा दिखाइए, फोटो दिखाइए, तो मेरा वो वीडियो बना रखा है पीछे से वीडियो बना रखा है, खाली गाड़ी नंबर पीछे से आ रहा है, आगे जाला फोरन नहीं आ गया, मेरा चेहरा नहीं आ रहा था। वो हमको जबरदस्ती उसके बाद में 1 घंटे के अंदर में रात भर में थाने में बंद था, उसके बाद मेरे पास पैसा नहीं था, रात भर हम उपलब्ध किया कहाँ कहाँ का 2,000-1,000 करके उसका 40,000 रुपया दिया, तब हमको सोरा रात के 2 बजे से। उनको कैसे पता चला कि मोबाइल आपकी गाड़ी में नहीं छूटा था? सवारी कौन थी जिसने FIR की? वो सवारी उसका कोई रिश्तेदार था, उसका कोई सवारी रिश्तेदार था, वो लड़की बोल रही थी उनकी भैया का नहीं पहचान रहा है, वो जबरदस्ती इंस्पेक्टर क्या बोल रहा है जे नहीं यही है, वो लड़की बोल रही थी ये नहीं है, वो बोल रही यही है, वो जबरदस्ती हमसे 40,000 रुपया लिया जबरदस्ती। तो यही बोलेंगे हम, दिल्ली सरकार में बहुत कमी है, सवारी के ऊपर कोई इंजाम नहीं देगा, जब देगा ऑटो ड्राइवर में कमी है, ऑटो वाला में कमी है। दिल्ली सरकार ने तो वादे बहुत किए थे ऑटो वालों के लिए सारी सुविधाएं देंगे, ऑटो वाला कुछ नहीं, ऑटो वाला तो बोर्ड कहाँ दिया है, जो दिया है जो दिल्ली वाला के लालच दे दिया, जो बस फ्री कर दिया, बिजली बिल फ्री कर दिया, क्या चीज़ की वही लालच में अपना सब करवा रहा है, क्या हुआ है? फ्री हुआ है जो इनका यहाँ मकान है, जो यहाँ के निवासी है, हम लोग 1200 किलोमीटर चल के आए हैं, हम लोग के लिए आज भी वही 8 रुपये यूनिट दे रहे हैं, कल भी 8 रुपये दे रहे थे, हम लोग के लिए कहाँ कोई मकान मिला है रहने के लिए, हम लोग के लिए कहाँ कोई प्रिफ्रेंस मिला है कि आप ऑटो चला रहे हो आपके लिए आपको ये प्रिफ्रेंस दिया जा रहा है, बल्कि हम पे कानून चलान भरा जा रहा है, जबकि हमारा कोई गलती नहीं होता है, जब भी हम लोग को चलान, हम लोग कमाएंगे कहाँ से, बस फ्री कर दिया, सब कुछ फ्री हो रहा है, हर गली गली में जो है कि आपको बैटरी रिक्शा निकल गया, हर जगह जो है आपका ओला जो है हम लोग का कमाई ले गया, तो हम लोग कहाँ से कमाएंगे सर, उसमें भी नियम कानून बनते ही जा रहे हैं हम लोग के ऊपर। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद राशिद है, मैं जामिया शाहीन बाग रहता हूँ। सुबह से 400 रुपये काम किया है, गाड़ी का 200 रुपये का CNG, और घर का खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों को कैसे जिलाएंगे, घर का रेंट कैसे देंगे, ये जितना भी इन्होंने बोला सब झूठ बोला, इनके सारे झूठे वादे। सर हमने तो गलती हो गई, केजरीवाल को हमने फर्स्ट टाइम ही वोट डाला था, ये मेरा वोट, पेन काटे सब कुछ है, तो मैं कहेगा डरना?
भारत का एक नागरिक तू, तो बाहर के लोग आए उनको नागरिकता दिया जाएगा, जो भारत के लोग हैं वो उनको परेशानी नहीं किया जाएगा, वो जो भारत के तो भारत के ही है, जो बाहर के लोग आएंगे पाकिस्तान से कहीं से भी आए तो उनको नागरिकता दिया जाएगा। मैं तो बचपन से रह रहा हूँ दिल्ली में, मैं हिंदुस्तान का एक नागरिक हूँ।